क्या किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, फिर इन्हीं तीन बेसिक्स का थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, या इन्हीं तीन बेसिक फंक्शंस के क्या किए हैं, द थ्री रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। और अगर आप कहेंगे उनको उनको लिख लिया जाए तो उनको लिख के बता देता हूं कि थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको कहते हैं, देयर इज दिस साइन ऑफ एक्स, देन कॉस ऑफ एक्स और देन टैन ऑफ एक्स। इनको हम पहली दफा नहीं पढ़ रहे, ये ओ लेवल से इनको आगाज किया गया था, ओ लेवल से इनको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। और इनके बारे में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, इनको स्टार्ट करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के कॉन्सेप्ट से। और इनकी रेशोज के बारे में ये कहा जाता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग की कोई रेशो बनती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन नॉट नेसेसरली राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइन का कॉन्सेप्ट या कॉस का कॉन्सेप्ट। हम अब एंगल्स या ट्राइंगल्स में से निकालकर या राइट एंगल ट्राइंगल में से निकालकर किसी भी जनरल एंगल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड इस वजह से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं कि इसकी कोई भी इनपुट हो सकती है। साइन और कॉस की तो कोई भी इनपुट हो सकती है, लेकिन टैन की कोई भी इनपुट नहीं हो सकती। उसमें कोई एक आधा मसला है, कौन सा मसला है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 वाला मसला है, वहां पे ये टैन वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। खैर बहरहाल, जब आप इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इन फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इन फंक्शंस का क्या सीन है, सर जी ये वैसे तो ये तो एग्जिस्ट ही तब करते हैं जब इनका पिछला वाला फंक्शन, मतलब जिसके ये इनवर्स हैं वो क्या हो, वो वन टू वन हो, तो उसके लिए तो डोमेन को वैसे ही साइन की डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, कॉस की डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, टैन की डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। कहाँ कहाँ कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें सारी रिस्ट्रिक्शन लिखी होगी कि साइन का इनवर्स वुड एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द डोमेन ऑफ साइन इज माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक। कॉस के केस में इनवर्स ऑफ कॉस विल ओनली एग्जिस्ट इफ द डोमेन ऑफ कॉस इज फ्रॉम जीरो टू आई थिंक कहां तक जी पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। टैन के केस में इनवर्स ऑफ टैन विल एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ क्या, इफ द डोमेन ऑफ टैन इज माइनस 90 से लेकर प्लस, मतलब माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग माइनस पाई बाय टू एंड प्लस पाई बाय टू बिकॉज देयर आर सेम रूट्स। अच्छा, ये तो क्या इनवर्स वालों की बात, उसकी शक्लें कैसी हैं वो भी आपको पता है, एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं इन द लाइन y = x। अब अगर मैं बात करता हूं द थ्री रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जरा प्लीज देखिएगा मैं लिखने क्या लगा हूं, sin ऑफ x होल पावर माइनस 1, cos ऑफ x होल पावर माइनस 1। लास्ट किसी लेक्चर में मैंने ऐसे नहीं लिखा था मैं, लेकिन एकदम से भी क्या ख्याल आ रहा है कि आपने यहां माइनस 1 डाला है, साइन के ऊपर माइनस 1 का मतलब है कि फंक्शन का इनवर्स लिया आपने, क्या लिया, साइन फंक्शन का इनवर्स लिया है। साइन ऑफ एक्स की होल पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, सर जी आपने पूरा ही इनवर्स नहीं लिया, इसको कहते हैं साइन का इनवर्स लिए, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल लिया है, तो इसलिए हमने ओवरऑल उल्टा करने को, एंड आई थिंक मैं अब इतनी और मजीद नहीं, मैंने पिछले पूरे हफ्ते में यही बहस की है, क्या बहस की है कि रेसिप्रोकल में और इनवर्स में क्या फर्क है। अब और फर्क सामने आ गया है कि सर एक वक्त में आप फंक्शन के साथ इनवर्स करते हैं और इधर आपने पूरी टर्म के साथ इनवर्स कर दिया है। अब पूरी टर्म के साथ इनवर्स कर दिए का मतलब पूरी टर्म उठाकर नीचे ले आए, तो उसको आप इनवर्स ना ही बोले, उसको क्या बोले, उसको आप रेसिप्रोकल बोले, और फिर इस तरह से लिखे भी ना, इसको किस तरह से लिखे, चलें जैसे भी लिखा है इसको, इट इज समथिंग लाइक क्या जी, वैसे तो इसको मैं पहले लिखूंगा वन ओवर साइन एक्स, या तो ऐसे लिखा जाए, इसको क्या लिखूं, वन ओवर कॉस एक्स,
इसको क्या लिखूं, 1/tan x, और आज इसके अलावा भी इनका कुछ नाम है, 1/sin x का आपने क्या नाम पढ़ा भाई जी, इट इज cosecant of x, 1/cos x का नाम क्या है, secant of x, 1/tan का नाम क्या है, यहां तक हमारा आखिरी जो है वो लेक्चर डेवलप हुआ हुआ है. Oops. And you know, I think हमने 3 बेसिक trigonometric functions के ग्राफ, फिर the corresponding inverse functions के ग्राफ, फिर corresponding, you know, reciprocal trigonometric functions के ग्राफ. ग्राफ्स के हिसाब से मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है. अब मैं ग्राफ से थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ. मुझे बात तो बताएं, ये जो आप trigonometric functions पढ़ते हैं, मतलब initially मैंने ग्राफ समझा दिए, पिछले साल भी ऐसे ही हो, ग्राफ के ऊपर डोमेन रेंज समझाई होगी, अभी भी ऐसे ही किया, ग्राफ के ऊपर आपको साइन की और कॉस की और यू नो जो भी टैन था उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखवाई होंगी, ऐसा किया था ना हमने, साइन की कॉस की और टैन की प्रॉपर्टीज भी, लेकिन वो वही पुरानी वाली थी, कुछ भी नया मैंने उसमें ऐड नहीं किया. अच्छा, अगर मुझसे नए ऐड करने की बात करेंगे तो नया मैंने क्या ऐड करना है, आई थिंक नया मैंने आज आपको मालूम होगा कि पिछले साल भी ट्रिग्नोमेट्री में एक ग्राफ होता था, फिर एक प्रॉपर्टीज होती थी, फिर एक होता था आइडेंटिटीज, क्या होता था यहाँ सा, कुछ आइडेंटिटीज होती थी, तो आई थिंक मैं आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाना चाहूंगा. तो प्लीज हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में किस चीज की हेडिंग देंगे, ये मेरा पिछले लेक्चर की रिविजन है, मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया हुआ है. अब यहाँ वैसे इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, यहाँ कुछ सवाल है तो पूछ लें भाई, इसमें से कुछ अगर आपने सवाल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा. एनीवन? No? Okay. Okay, जी. So, यूं समझिए आज का लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो तो रिवाइज हो गए. Now what? बातें चलते बंद भाई. हम पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्या पढ़ेंगे जनाब साहब? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ानी है मैंने आपको. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको, वंस अगेन आपको मालूम है मेरा ये दिमाग जरा वो कंपैरिजन और कॉलम्स के हिसाब से चलता रहता है, तो मैं अभी भी कॉलम्स की तरह ही कुछ डेवलप करूंगा कि यहां से ये निकालूंगा, वहां से वो निकालूंगा, वहां से वो निकालूंगा, कुछ ऐसी बात चल रही है. इससे पहले कि मैं अगला कॉन्सेप्ट डेवलप करूं, मुझे बताएं पिछले साल कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा या साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. चलें, अब प्रॉपर्टी तो आपको याद है, एक सवाल है निकाली कहां से. हाँ जी, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कहां से निकाला है, कौन सी पिछले साल कहां से आ गया पैरामीट्रिक, इस साल की बात नहीं हो रही, पिछले साल की बात हो रही है कि ये आइडेंटिटी प्रूफ कहां से की थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. नहीं, चलो कोई मसले वाली बात नहीं है. पूछो क्यों मसले वाली बात नहीं है, हमारे ना ए लेवल का पैटर्न ही क्या है. हाँ, मेरी मुझे बीमारी जरूर है कि मैं समझाता हूँ कहां से निकला है, लेकिन जब हम उसको प्रूफ कर लेते हैं वहां से निकला है तो बस वो थोड़ी देर की दिल की तसल्ली के लिए कहता हूँ क्या इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है, लेकिन जब हम वो किसी आइडेंटिटी को निकाल लेते हैं तो क्या उसने हमसे आज तक पूछा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकली कहां से, मतलब इसकी डेरिवेशन तो नहीं पूछी, वो तो इसको यूज करके अगली आइडेंटिटीज प्रूफ कराता था. अगर आपको कुछ अपना पिछले साल के सवाल याद आ रहे हो, हम ये नोट्स फॉलो करेंगे तो शायद वहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ये कहां से निकला है ये भी मौजूद होगा, लेकिन पेपर के सवालों को या वर्कशीटों को या टेस्ट शीटों को या पास्ट पेपर्स को फॉलो करेंगे तो किसी एक भी सवाल में आपको यह नहीं मिलेगा कि प्रूव द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. इसलिए मुझे इस चीज से कोई घबराहट या परेशानी नहीं हुई कि आपने कहा सर जी ये क्या सवाल पूछ लिया आपने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कहां से निकलेगा. ओके, तो इसको तो हमने एज एन आइडेंटिटी याद किया हुआ है, मतलब याद ही कर लिया, जैसे नहीं हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद करते थे ना, ठीक है, वो तो बहुत बाद में पता चला हमें कि निकला कहां से है. जैसे कोई बताएगा मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं नहीं एक सेकंड जी, फिर ओ लेवल में बायनोमियल, नहीं नहीं मुझे तो आप ओ लेवल के बच्चे को पता होता है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों है? एनीवन प्लीज सर, उसमें अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, हाँ असल में वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, मतलब ये ऑर्डिनरी बात है तो ऑर्डिनरी जवाब भी है उसका, ओ लेवल की बात है कि सर वो ए इंटू ए प्लस बी होता है फिर बी इंटू ए, लेकिन क्या ओ लेवल में कभी आता था कि प्रूफ करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है? नहीं ना, वहां क्या आता था सवाल, एक्सपैंड यूज करो, क्या निकालो थ्री एक्स प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर, क्या निकालो 3x plus 4y का होल स्क्वायर निकालने का, जैसा जी पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे 2ab करेंगे, ऐसे होता है ना, तो हमारे पूरे ओई लेवल का पैटर्न ऐसे ही है कि हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स याद करा दिए जाते हैं, कुछ हमें बेसिक आइडेंटिटीज याद करा दी जाती हैं, उनकी बुनियाद पर क्या कहा जाता है कि जी अगली मैथ्स डेवलप करो, मतलब वो जो बेसिक बातें हम कहां से आई हैं कहां से नहीं आई हैं वो कहते हैं उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी क्लास में कहीं ना कहीं जब जब उसका लेवल चल रहा होता है मैं तब तक उसको एक्सप्लेन करता हूं कि कहां से आया कहां से नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही अब ये जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूं इसकी मकसद ये है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही अभी चूंकि ए टू लेवल पर हूं तो यहां पे भी दो तीन एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, और सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं मैं तो प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन होगा क्या वक्त के साथ साथ आप क्या कर जाएंगे, जो आइडेंटिटीज मैं लिखवाऊंगा उनका प्रूफ लिखाऊंगा वो आप भूल जाएंगे, क्यों आगे आने वाले वक्त में सवाल होंगे क्या, वो ये नहीं कहेगा कि इनको प्रूफ, वो कहेगा इनको यूज करके अगलियों को प्रूफ करो, तो इसलिए जो हमारी बेसिक वाली होती है हमें अगर याद ना भी हो तो इतना बड़ा मसले की बात नहीं होती है। अच्छा खैर बहरहाल मुझे बता दीजिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आई बिलीव उसको मैं कहूंगा टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, नहीं टू बेसिक का क्या हिसाब है उस हिसाब से क्या कहूंगा, टू एडवांस्ड है तो बीस एडवांस्ड है जी, तो कोई बेसिक एडवांस की बात नहीं करते, बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं देखते हैं कहां पहुंचना है कहां नहीं पहुंचना, ठीक है जी। आपने ओ लेवल में दो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, मेरे पास यहाँ ए लेवल में मतलब कब जब तक 20 नहीं होंगी मुझे लगता है मेरी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ऑलमोस्ट 20 आइडेंटिटीज तो मैंने पढ़ानी है जनाब साहब, लेकिन वो सब एक दूसरे से डेवलप होती रहेंगी, क्या होता जाएगा वो सब की सब एक दूसरे से डेवलप होती जाएंगी, हाँ वक्ती तौर पर आपको समझ भी आती जाएंगी आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका रटा मारना सबसे इम्पोर्टेंट है। AS की ट्रिग्नोमेट्री में और A2 की ट्रिग्नोमेट्री में एक थोड़ा सा मुसीबत है जी, मैं पहले से आपको उस मुसीबत के लिए आगाह कर दूं ताकि आपका उसको पढ़ने का अंदाज जो भी है अपनी तरह से एक पर्टिकुलर डेवलप हो जाए। AS की ट्रिग्नोमेट्री बहुत थोड़ी है, अगर आइडेंटिटीज की बात करें तो सिर्फ कितनी है? दो, बस चैप्टर खत्म। उन्हीं दो आइडेंटिटीज को यूज करके या तो फर्दर आइडेंटिटीज होती थी या उन्हीं को यूज करके इक्वेशन सॉल्व होती थी, ऐसा ही है ना, तो इतना बड़ा चैप्टर ही था वो खुद ही पता चल गया, मतलब मेरी क्लास के निकम्मे से निकम्मे बच्चे को भी पता होगा कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, या एक और भी होती थी साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू टैन ऑफ एक्स होता है, ठीक है फैजान भी कह रहा था टैन ऑफ एक्स होता है, ठीक है तो चेक कर सकते हैं वो इतनी, लेकिन ए टू में क्या होगा, ए टू में दो मसाइल हैं, पहला मसला ये कि आइडेंटिटीज जो है वो दो नहीं है, दो से बहुत ज्यादा है, अब दूसरा मसला है कि सिर्फ आइडेंटिटीज को यूज करके अगली आइडेंटिटीज प्रूव नहीं करनी, सिर्फ इनको यूज करके इक्वेशन ही सॉल्व करनी, इनके साथ एक काम क्या हो जाएगा, इनकी डिफरेंशिएशंस और इनकी इंटीग्रेशंस भी आ जाएंगे, ठीक है जब इनकी डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस वाले सवाल में जाके फंसेंगे ना तो थोड़ी सी जिंदगी हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, और वो जिंदगी आसान हो जाएगी अगर एक काम आप कर लें, क्या ये जो मैं आपको बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा इनका जितना सुथरा रटा मारेंगे उतना काम आसान होगा, मतलब इनका रटा लगाने से क्या काम आसान होगा, मतलब बच्चा कह दीजिए सर मैंने इसको रटा नहीं मारना तो डिफरेंशिएशन में तो फंसा ही रहेगा वो, ठीक है इनका रटा मार ले हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं, ताकि हमने वहां सबसे पहले डिसाइड करना है कि भाई आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, मतलब उसको चेंज करूं तो क्या करूं इसके साथ, वो जितना अच्छा पहली आइडेंटिटीज का रटा लगा होगा उतना अच्छा हम वहां पे बिहेव कर सकेंगे, सर जी फौरन से याद आ जाएगा सर इसकी जगह वो कर दें इसकी जगह वो कर दें तो हमारे लिए काम आसान होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैप्टर में सवाल थोड़े मुश्किल होंगे, ठीक है तो उस मुश्किलात के लिए मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे वक्त इतना ज्यादा लगाऊंगा, या आपको मालूम है शुरू का सेशन जो है वो आराम सुकून से चलता है, कोई आग मुझे नहीं लगती जब तक फरवरी मार्च ना आए, मुझे जमीन पे ही लगे रहते हैं पांव के नीचे से जमीन नहीं निकलती, ठीक है वो जो फरवरी मार्च आने लगता है फिर मैं कहता हूँ चलो जी आप क्या करो आप जो है वो चिल्ला काटो, हाँ वो चिल्ले वाला कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है, ठीक है मैं तो चिल्ले में होता हूँ, एक बार आप में से जो जो चिल्ले में आ जाता है वो तर जाता है, वो
जो जो चिल्ले से बाहर रहता है वो क्या करता है, वो रीटेक करता है। अरे क्या फैजान ने बात की, क्या फैजान तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। जो जो चिल्ला नहीं काटता फिर आखिरी दिनों में वो फिर रीटेक में चिल्ला काटना पड़ता है। चिल्ला तो काटना पड़ेगा, उसके बगैर अब चिल्ला आपने मई जून से दो महीने पहले काटना है कि अक्टूबर नवंबर से महीना डेढ़ महीना पहले काटना है, ये आपके ऊपर है कि आप कब चिल्ला काटते कब नहीं काटते। तो इसलिए चिल्ले में जब हम जाएंगे उसकी तो वो हमेशा वो लेवल को मैंने चिल्ला कटवाना है, एएस को भी कटवाना है, टू को भी कटवाना है, लेकिन असल फिनोमेना है उस चिल्ले वाले टाइम से पहले का फिनोमेना। उससे पहले वाली चीजें आप जितनी अच्छी से समझ लें, जितने अच्छे से पढ़ लें, जितने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लें, तो वो चिल्ला इतना मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। मुसीबत क्या होती है उस वक्त में आके बच्चे सब के सब पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना क्या, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं अगला पढ़ाना चाहता हूँ, वो कहते हैं सर जी पिछला रिवाइज नहीं हुआ सही तरह, पिछला नहीं आता, तो मुसीबत हो जाती है। पिछला अगर सारा आता हूं ना तो मेरी उस फ्रीक्वेंसी से सब बच्चे, मतलब जो जो जिसको पिछला आता होता है उसको मेरे चिल्ले वाली फ्रीक्वेंसी से मसला उस बच्चे को होता है जो कहता है सर मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने क्लासें तो आपकी सारी ली हैं लेकिन मैं तो घर जाके पढ़ते ही नहीं था, तो वो फिर वो बेचारे को थोड़ी मुसीबत हो जाती है, वो अगला भी कवर नहीं होता, पिछला भी कवर नहीं होता, और स्ट्रेस और टेंशन में खराब हो जाता है। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ भाई, जो लिखवाऊंगा प्लीज रटा मार लेना साथ। और रटा मारने का तरीका क्या है, या तो हिल के पढ़ते रहना उसको, या मदरसे के हिसाब से कोई घर में आधे घंटे का सेशन लगा लेना, ठीक है, या घर जाके उसको लिख लेना ढेर सारी दफा, आइडेंटिटीज जितनी दफा लिखोगे वो उतनी दफा याद हो जाएंगी, या फिर मैं भी एक काम कर लूंगा, मेरे पास भी एक याद कराने का तरीका है, वर्कशीट नंबर 1 प्रॉब्लम्स, वर्कशीट नंबर 2 प्रॉब्लम्स, वर्कशीट नंबर 3 प्रॉब्लम्स, टेस्ट नंबर 1 प्रॉब्लम्स, बेइज्जती उसके बाद प्रॉब्लम्स, फिर टेस्ट नंबर 2 फिर प्रॉब्लम्स। तो नहीं बेइज्जती कैसे, नहीं बेइज्जती से तो याद होता है, वो तो सबसे स्पेशल तरीका याद कराने का है जी, थोड़ा ऐसा उससे स्पेशल मेरे पास कुछ नहीं है याद कराने के लिए, ठीक है, लेकिन वो अब आपकी मर्जी है कि आप किस किस स्टेज से याद करना चाहते हैं। खैर जो भी है जनाब साहब, एक काम करते हैं, मैंने इसमें 3 कॉलम्स बनाने की कोशिश करूंगा। 3 कॉलम्स क्या बनाने की कोशिश करें, मुझे बात बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है? सबसे पहले आप मुझे कौन सी बता रहे थे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये मैंने भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंट है, सेम डिफरेंट है, मतलब मेरे एक सवाल आ गए, नया मसला आ गया। एक तो हमारी बेसिक असल में एक और मुसीबत भी है, ये बेसिक अलजेब्रा में और इसके लिखने के जब मतलब लिखेंगे तो उसको भी हम उसी फॉर्मेट में ना कोई एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन इसके एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखने के कुछ असूलों में और बेसिक अलजेब्रा के एक्स वाई के लिखने के कुछ असूलों में फर्क है, ठीक है। सबसे पहला फर्क जो वाजह हो गया वो क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू और साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये क्या है, ये तो सेम है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट में क्या कह रहा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू में और साइन ऑफ एक्स के होल इनवर्स की वैल्यू में ये सेम नहीं है। तो अब ये मुसीबत है भाई, इस मुसीबत का नाम क्या है बेटा, कौन सा अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं हम आपको कि आपने सीधी सीधी अलजेब्रा लगानी है। मैंने कहा ये अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रा नहीं लगता, ट्रिग्नोमेट्री का अपना हिसाब है, कभी क्या हिसाब है तो कभी क्या हिसाब है, वहां एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि यहां पे तो मैंने कह दिया कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, यहां मैं नहीं कह रहा। अब आप कहें सर क्यों नहीं कह रहे, बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है ना आपके पास, क्यों नहीं कह रहा, यहां क्यों इक्वल नहीं कह रहा, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सेम तो नहीं है, ग्राफ देखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज देखी हुई है, डिफरेंट है। अच्छा यहां पर साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, सर जी होता तो ये है, हमें लिखने का दिल ऐसे करता दिल लिख देते हैं, असल चीज क्या है साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, उसको लिखते कैसे हैं सर, टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी में साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, पता नहीं कहां लगता है, क्या करते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लगाते हैं पता नहीं, लेकिन हां एक बात है वैसे ये पता नहीं कहां लगता है, मैं अगर तो यहां लगे तो ठीक है, अगर आपने यहां लगा दिया तो क्या है सर, तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। अब मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब यह है, हाँ
साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर इधर बराबर है उधर बराबर नहीं है, तो इसमें खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। ये मैथ्स है, मैथ्स का ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का कुछ ऐसा अंदाज चल रहा है, ये काम करेंगे आप, इस बात को पेज के हेडर पे लिखवाना चाहता हूं। इसको छोड़ दें, ये वाली बात पेज के हेडर पे लिखें कि सर ये आपस में बराबर है, वो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं। पेज के हेडर पे जाएं, कहीं जी सर जी ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, लेकिन ये और ये आपस में बराबर नहीं है। खैर, कोई सवाल आपके दिमाग में पैदा होता है तो आप हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा एक फॉर्मेट है, लिखने का फॉर्मेट है, उसमें कुछ फर्क चल रहा है। अब डिफरेंट वैल्यूज क्यों है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सर जी साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसका यह मतलब है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स, तो वहां कुछ और मतलब है, यहां कुछ और मतलब है। खैर, जो भी मतलब है मैं लिखा चुका हूं, और एट दिस लेवल ये आपके लिए नई बात नहीं है, ये आपके लिए पुरानी बात है, और आप इसको इतना मुश्किल नहीं है इसको कॉम्प्रिहेंड करना। बस एक बात मुश्किल है कि एट दिस स्टेज हम ये महसूस करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत जोर से महसूस करें कि एलजेब्रा में, प्योर एलजेब्रा के राइटिंग स्टाइल में, और हाँ उसका कुछ स्टाइल हम अपना रहे हैं यहाँ पे। कौन सा स्टाइल अपना रहे हैं कि सर ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चीजें दो दफा मल्टीप्लाई होती हैं। अब ये बात कहाँ से निकली है, ये बात तो अलजेब्रा से निकली है। सर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स पे स्क्वायर है, मतलब साइन ऑफ एक्स पे स्क्वायर है, मतलब साइन ऑफ एक्स इनटू, ये भी बात कहाँ से निकली है, ये भी अलजेब्रा से निकली है। तो बात है कुछ ना कुछ तो अलजेब्रा से हम उठा रहे हैं, लेकिन ये स्टाइल अलजेब्रा का नहीं है कि इस बात को ऐसे लिख दें। ये प्योरली किसका स्टाइल है, ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री का स्टाइल है लिखने का। ये काम हम कहाँ नहीं कर सकते, ये काम हम अलजेब्रा में नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये क्या बात हुई, अलजेब्रा में नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, ये मैंने क्या बोल दिया? मेरे दिमाग में कुछ और बात याद आ गई है। वो क्या याद आ गया सर, अलजेब्रा क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? मैथ्स की दो जुबानें होती हैं, बिल्कुल ठीक है जी, मैथ्स के दो सेक्शन हैं। अलजेब्रा बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है। जब अलजेब्रा किस मुकाम तक चला जाता है, फंक्शंस के मुकाम तक चला जाता है, तो अलजेब्रा की एंड आ जाती है। जब आप किसी अलजेब्रा में, मतलब अगर आपने कभी भी ओ लेवल में अलजेब्रा पढ़ा है, ए एस में अलजेब्रा पढ़ा है, ए टू में अलजेब्रा पढ़ा है, स्टार्ट में फंक्शंस पढ़ा है कि एंड पे फंक्शंस पढ़ा है? अलजेब्रा के एंड पे जाके हम फंक्शंस पढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछूं, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम क्या करते हैं? उसके तो शुरू में फंक्शन पढ़ते हैं। मतलब मैंने तो ए एस में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री में उसका अपना अलजेब्रा डेवलप ही नहीं किया, मैंने तो शुरू ही कहां से किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी भी आप देख सकते हैं ए टू में भी मेरा चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या आइडेंटिटीज पहले पढ़ाई हैं, हालांकि ज्यादा आसान बातें हैं, मैंने पहले क्या पढ़ाया, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बोलना ये चाहता हूं कि अलजेब्रा एंड होता है अलजेब्रिक फंक्शंस पर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब ये मैंने क्या बोल दिया, आई थिंक हमारा बेसिक, कहना चाह रहा हूं कि बेसिक अलजेब्रा स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, जब वो फंक्शंस के मुकाम पे पहुंचता है ना, तो हम फंक्शंस में एक कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने आपको लिख दिया है, ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे? आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं बेटा जी, पता ना क्या कह रहा हूं। इफ यू हैव एन एफ ऑफ एक्स, व्हाट जनाब, इफ यू हैव एन एफ ऑफ एक्स एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शंस में एक फिनोमेना है कि आप उसको क्या कहते हैं, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या मतलब इस बात का कि सर जी पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका भी मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि एफ ऑफ एक्स ये कंपोजिट फंक्शन तो नहीं है। खैर, वैसे एक नया मसला आ गया। क्या आ गया, क्या निकला मेरे मुंह से लफ्ज, कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? ये है जी। अब एक कंपोजिट फंक्शन का मतलब कुछ और होता है, और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स का मतलब कुछ और होता है। तो किसी तीसरे कट्टे में निकल गए हम। ठीक है, बहरहाल मुझे इस कट्टे में भी नहीं जाना, अदरवाइज मेरा आज का लेक्चर पूरे का पूरा इधर ही रह जाएगा भाई।
बल्कि आप लिख दिए तो थोड़ा सा तो बोलने ही देते हैं कि क्या लिखा है मैंने, क्या नहीं लिखा, ये क्या किया है, बोलो भाई बोलो, लिखो लिखो लिखो, जही साहब तुम्हारा दिमाग खराब है जी, पढ़ानी है तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जा रहे हो तुम किधर, कॉम्पोजिट फंक्शन, जाओ चले जाओ चले जाओ, पानी के बहाव में बहो हैं जी, पानी जहाँ बहता है उधर बहते जाओ, समुंदर में कहीं ना कहीं है, मुझे बहने दो, चंड दू मुझे बहने दो। सुनो जी, एक नया मसला है, यहाँ से एक नया मसला स्टार्ट हो गया, ये बराबर है भी कि नहीं है, ठीक है बराबर है भी कि नहीं है जी, चेक करें, इसका मतलब बताएं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, अच्छा इसका मतलब बताएं, एफ ऑफ एक्स, अब क्या करूं सर, ये फिर बराबर नहीं है, ये बराबर है, दो फंक्शंस को अलग से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ और होता है, वो एक्सपेंशन होती है, और एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पुट करने का मतलब कुछ और होता है, वो तो कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं, लीजिए जनाब साहब ये फिर बराबर नहीं है जी, किसको मसला इस बात से, याद आ रहा है, पूरी एग्जांपल कराऊं, मतलब मैं पूरी एग्जांपल तो नहीं कराऊंगा, कॉम्पोजिट फंक्शन तो वो क्या होता था, हम पढ़ते थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लेकिन कभी कभी तो सवाल आता होगा एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या उसने कभी उसको एफ स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा है, लिखा होगा जी, ऐसे कैसे मेरे दिमाग में आ गया, उसके दिमाग में नहीं आया है जी, सर जी चेक करें जरा, ये एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, उसने एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यों बोला ना, ये जो एफ स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, ये एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की नोटेशन है ना, गूगल करें जरा इसको प्लीज, मेरे हिसाब से तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन की नोटेशन है, और आता है आपकी क्लास में पिछले साल कहीं ना कहीं लिखा होगा, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स निकालें, जिसका मतलब होगा एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, नहीं लिखा तो मैं भी लिख देता हूं, लेकिन सारी बातें कहां लिखनी थी, पेज के हेडर पर लिखें जनाब साहब, लो जी, सो हैं मसाइल हैं, मसाइल कैसे हैं, मुख्तलिफ दुनिया है, मुख्तलिफ जुबानें हैं, मुख्तलिफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे भी बेसिक एक बात है सर जी, अगर प्योर अलजेब्रा होता ना, एक्स पे स्क्वायर लगाएं या एक्स पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएं, क्या होता, सेम ही होता, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बच्चों की बात होती, वो बात तो यहाँ नहीं हो रही, खैर जो बात हो रही है पेज के हेडर पे लिख दी है, आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होता है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, हाँ जी, आइडेंटिटीज कौन सी, आता हूँ उधर, इसको जरा पहले हजम करें, सबसे पहली बात आइडेंटिटी में पहली बात ही क्या लिखी हुई थी, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा हुआ था, असल में वो मुसीबत कर गया मेरे लिए, मैंने वहां से बात डेवलप की कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, उसका एक्चुअल मतलब है साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर वहां से एक दिमाग में बात डेवलप आ गई कि यार अगर ये स्क्वायर इधर की बजाय थोड़ा इधर होता तो क्या होता, मैंने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो उसका क्या मतलब होता, उसका मतलब साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर होता, साइन पे स्क्वायर नहीं था या होल पे स्क्वायर नहीं था, किस पे स्क्वायर था, एक्स पे स्क्वायर, तो उसका मतलब ये वाला है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला है। अब ये करते करते मुझे दिमाग में फंक्शन याद आ गए कि जी अलजेब्रा के फंक्शन में कुछ और मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में कुछ और मतलब होता है, अब ये जनरली फंक्शन में क्या मतलब होता है, तो जनरली फंक्शन में भी इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, एंड यू नो व्हाट, एफ ऑफ एक्स के इधर स्क्वायर लगाओ तो इसका मतलब कुछ और है, यू नो व्हाट, क्या कह रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या था, एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, कॉम्पोजिट फंक्शन, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या लिखूं सर, एफ ऑफ क्या, हाँ जी इसका मतलब बताएं अभी, एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का मतलब ये है कि सर जी ये जो है ना वो जो फंक्शन है ना जहां जहां एक्स था वहां क्या करना, वहां एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर डालना है, मतलब इसकी जगह आप क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो अब इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब बताएं क्या लिखूं, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट, इसका मतलब ये दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या लिखूं, पुट एक्स स्क्वायर इन द फंक्शन, मतलब इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फंक्शन में क्या करें जी, नॉर्मल फंक्शन में एक्स स्क्वायर कर दें, तो आई बिलीव इसका मतलब क्या होगा, पुट एक्स स्क्वायर इन द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं पुट एक्स स्क्वायर इन द नॉर्मल फंक्शन, ये लिख दो जी, हेलो, हाँ जी, सो
जो एक मसला मसाइल है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। जी सर जी, सही लिखा हुआ है f square ऑफ x मतलब f of f of x, ठीक जी जनाब साहब, इस बात से निकले अभी, वापस जाएं अपने ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। हमारी वापस ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रही हैं, और उन आइडेंटिटीज में देयर यू गो, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब है ये स्क्वायर या तो साइन के ऊपर लिखें या फिर ये स्क्वायर होल के ऊपर लिखें, एक्स पे नहीं लिखना, क्या नहीं करना, तो बस ये बताना चाहता था। उसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा, बहरहाल ये आइडेंटिटी हमें याद है, ये आइडेंटिटी है भाई हमें याद है। पहला कॉलम आ गया, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसके नीचे थोड़ा सा लिखूंगा मैं भी। दूसरे कॉलम में आए, दूसरा कॉलम क्या है, क्या करते थे, साइन ऑफ एक्स ओवर क्या, ओवर कॉस ऑफ एक्स हो जाए तो क्या हो जाता था, टैन ऑफ एक्स। ये हमारा दूसरा कॉलम आ गया, इसमें किसी को मसला, साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स, इसका भी प्रूफ किसी को याद, एनीवन? हाँ चलो, वो कहते सर इसमें उस हिसाब से, तो फिर मैं उसका भी वही करूंगा। अगर आप कहते हैं, मैं यहां कहता हूं जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो उसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा तो क्या होगा, वन ही आएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, वो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नीचे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1, वो तो 1 हो गया। अच्छा, उस हिसाब से यहां पे भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो क्या होती है, चलो ऑर्डिनरी लेवल वाली एक्सप्लेनेशन हल्की फुल्की दिमाग में थी किसी बच्चे के, मैंने प्रेजेंट कर दी है। खैर, जो अगर इसके अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन है मैं उसको भी प्रेजेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको याद ही है तो अच्छी बात है, बस यहां से मैंने आगे जाना है, ठीक है। तीसरी तरफ आ जाए, तीसरे कॉलम में अभी जो आपने तीन काम किए हैं अभी तक इस चैप्टर में, तीन रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं आपने, मैं वो लिखने लगा हूं यहां, क्या नाम है जी उनका, एक आपने पढ़ा जी, सबसे पहले क्या पढ़ा, कोसेकेंट ऑफ एक्स, वो क्या होता है, वन ओवर क्या, साइन ऑफ एक्स। अच्छा, फिर सेकेंट ऑफ एक्स क्या होता है, वन ओवर कॉस ऑफ एक्स, फिर कॉट ऑफ एक्स क्या होता है, वन ओवर टेन ऑफ एक्स। हेलो जी, यहां तक किसी को मसला है भाई, हाँ जी, सो यू नो व्हाट, मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं। आप एक बात बताएं, आप इस वक्त किस आइडेंटिटी को पहली कहेंगे, किसको दूसरी कहेंगे, किसको तीसरी चौथी पांचवी कहेंगे, जो आपने ये पढ़ा है, आई थिंक इसको क्या कहूं, इसको मैं कहूंगा आइडेंटिटी नंबर 1, बिल्कुल ठीक है जी, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1, इसको क्या कहूं, आइडेंटिटी नंबर 2। फिर एक काम करते हैं, ये भी एक्चुअली क्या है, आपकी इतला के लिए, ये भी एक आइडेंटिटी है, कि जैसे होता था ना एक कॉन्सेप्ट है कि सर किसी भी सवाल को हम सॉल्व करते थे पिछले साल, तो जहां जहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा होता था उसको हटाकर क्या कर देते थे, 1 लिख देते थे, जहां जहां कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिखा होता था वहां क्या लिख देते थे, टेन एक्स। अब मैं क्या कहूंगा, जहां जहां कोसेकेंट एक्स लिखा हुआ वहां क्या लिख दूंगा, मैं वहां में 1 ओवर साइन एक्स लिख दूंगा, जहां पे कॉट एक्स लिखा हुआ वहां क्या लिख दूंगा, 1 ओवर टेन एक्स लिख दूंगा, जहां पे सीकेंट एक्स लिखा हुआ वहां क्या लिख दूंगा, तो मतलब मैं उसको एज एन आइडेंटिटी ही कैरी करूंगा, कि जहां जहां ये लिखा है मैं वो लिख दूंगा। सो आई विल कॉल दिस एज आइडेंटिटी नंबर 3, याद करना आपने इस बात को, दिस एज आइडेंटिटी नंबर 4, दिस एज आइडेंटिटी नंबर 5। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कंफ्यूजन कहां होगी, एक आइडेंटिटी है जिसके याद करने में कंफ्यूजन होती है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई, एनीवन, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है, नहीं, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कॉट में भी टी है, टैन में भी टी है, टी और टी वाला याद रहेगा, मुझे अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये कोसेकेंट है ये सेकेंट है, मतलब क्या हिसाब चल रहा है यहां पे, उल्टा हिसाब चल रहा है, जो कोसेकेंट वाला है वो सी से स्टार्ट होता है और वो रेसिप्रोकल एस वाले का है, अच्छा जो सीकेंट है वो एस से स्टार्ट होता है वो रेसिप्रोकल सी वाले का है, मतलब इस तरह मैंने याद किया हुआ है, मैंने इसको याद करने के लिए क्या हिसाब लगाया हुआ है, उल्टा हिसाब लगाया हुआ है, अदरवाइज मुझे ये सीधे हिसाब से याद होते नहीं है, मुझे उल्टे हिसाब से याद होते हैं, किस उल्टे हिसाब से जी, सर जी जो कौन है जो कोसेकेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से,
और वो किसका रेसिप्रोकल है? एस वाले का रेसिप्रोकल है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जो सीकेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एस से। और वो किसका रेसिप्रोकल है? वो है कॉस वाले का, सी वाले का रेसिप्रोकल है। हाँ, टैन और कॉट में मसला क्यों नहीं हो रहा? सर जी, कॉट टी पे खत्म होता है, टैन टी से स्टार्ट होता है, तो टी फॉर टेट फॉर टैट होता है, तो टी टी याद हो गया मुझे। कोटेंजेंट और टेंजेंट में कोई मसला नहीं है, मुझे मसला किसमें है? सीकेंट किसका उल्टा है और कोसीकेंट किसका उल्टा है? अच्छा, वैसे अगर एक और साबित है, सीकेंट और कोसीकेंट एक दूसरे के रिश्तेदार बनते थे ना, कोसीकेंट और कोसीकेंट, मतलब देखें दोनों के वर्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सीकेंट कोसीकेंट, जैसे टेंजेंट कोटेंजेंट एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है ना। तो सीकेंट और कोसीकेंट को क्या होना चाहिए? उनको भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। लेकिन ये तब होता जब मैं नॉर्मल इंग्लिश पढ़ा रहा होता है जी। मैं अगर आपको कहता जी पाकिस्तानी अंग्रेजी में क्या होता है, जो भी वर्ड है उसके पीछे फलाना वर्ड लगा दो तो ये मतलब बन जाता है। लाइक टेंजेंट के पीछे को लगा दोगे तो टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये नॉर्मल है। इस हिसाब से मैं कहता यार सीकेंट और कोसीकेंट के पीछे भी पता नहीं को लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी। खैर, सर के पास कुछ सवाल है? प्लीज सर, लग गया सर रटा? सर लगता लग चुका नहीं, अगर नहीं लगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि दो रटे लगवाऊंगा तो नहीं लगेंगे। चले, मतलब पहले इनसे पूछ लूँ, अगर सही नहीं हुआ फिर मैं एक्स्ट्रा बात पुट कर लूंगा। भजन, ये सी और एस का कुछ रटे मुश्किल है? सी वाला एस का उल्टा है, एस वाला सी का उल्टा है, ये रटना लग चुका है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, फिर भी सर के पास एक बात है, क्या बता मेरे काम की हो। जी सर, क्या करना है जी? एक लफ्ज है उल्टा हिसाब कहकर कोसीकेंट सीकेंट कोटेंजेंट में इन दोनों के लिए क्या करूं जी? इन दोनों के साथ यहां क्या लफ्ज लिख दी? उल्टा हिसाब का वर्ड लगाकर क्या क्या, इसका सी, इसका एस, इसका एस, इसका सी जो है वो हाईलाइट कर लीजिए। और अपने आप को याद रखाइए कि जब भी ये कोई क्या कहते हैं, पिछले साल जैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी थी तो एस से सी में और सी से एस में जाते थे, यहाँ पर रेसिप्रोकल वालों की प्रॉपर्टी है तो सी से एस और एस से सी में जाएंगे। और डिफ्रेंसिएशन में या इंटीग्रेशन में भी क्या होगा? सी से एस और एस से सी में जाएंगे। ये सी एस और एस सी मेरी बहुत पुरानी बात भी है, सी एस और एस सी मेरी अभी की बात भी है, और सी एस और एस सी मेरे अगले किसी चैप्टर में भी बात आएगी। इसीलिए मैं इसी को सी एस और एस सी के साथ करना चाहता हूँ। पहले पहले लेटर को इंगेज करूंगा, तीसरे तीसरे लेटर के साथ। अगर आप में से किसी को वो तीसरे लेटर वाली बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, सर का एक आइडिया था, वो अच्छा आइडिया, बुरा नहीं है। मेरे समझाने का अपना मेथड है, उनके दिमाग का अपना मेथड है, दो मेथड आपके सामने आ गए हैं। यहाँ से आगे आपकी मर्जी है कि किस मेथड के हिसाब से अपना जमाना आप आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं। बहरहाल, ये हो गई थी हमारी बेसिक। अब मैं इनको क्या कहूंगा? इनको मैं कहूंगा, सॉरी फॉर बेसिक वर्ड, बेसिक तो नहीं, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, नहीं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं। पहली वाली पिछले साल की है, दूसरी वाली भी पिछले साल की है, और तीसरी चौथी पांचवीं इस साल की पहली बात है। मतलब इस साल की सबसे बुनियादी बात ही क्या है? मतलब मैंने तो यही पढ़ा है ना, पिछले पेजेस पे आपने क्या लिखा हुआ है? आपको लगता है ओ लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आपने इस साल कैरी करनी है? आपने ए एस वाली ट्रिग्नोमेट्री, हाँ शायद वो थोड़ी सी कैरी करनी पड़ जाए। ए एस वाली ए टू मिल्की बुल्की कैरी करनी पड़ेगी, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, साइन की प्रॉपर्टीज, कॉस की प्रॉपर्टीज, टैन की प्रॉपर्टीज, वो कैरी करनी पड़ती हैं। और उनका क्या करें, उनका जो रेसिप्रोकल्स हैं, ये हमारी पहली बातें हैं के साइन का रेसिप्रोकल कौन है? साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट है। कौन है जनाब साहब? क्यों जी? सर वो एस साइन एस से स्टार्ट होता है, कोसीकेंट सी से स्टार्ट होता है। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? वो सीकेंट है। क्यों? कॉस जो है वो सी से स्टार्ट होता है, तो उसको उल्टा करेंगे तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने सी और एस का उल्टा हिसाब याद रखना है। उल्टा हिसाब इज विद व्हाट? उल्टा हिसाब इज विद सी एंड एस। उल्टा हिसाब विद क्या? सी एंड एस। उल्टा हिसाब जहां लिखा है वहां सी से एस में और एस से सी में एक एरो बना दीजिए। सी फॉर एस, एस फॉर सी। सी से एस हो जाएगा, एस से सी हो जाएगा। सी से एस हो जाएगा, एस से सी हो जाएगा। ये मैंने अपने दिमाग को बताया हुआ है और इस बुनियाद पर मैंने
इस बात को याद किया हुआ, बहुत अच्छे से याद हुआ है। बहरहाल आज के लेक्चर में मुझे ना दो और आइडेंटिटीज की बात भी करनी है। आई थिंक अगर मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, 1/10x, तो ये क्या हो जाएगा, cos over sin x। ओके, एक काम करते हैं जनाब साहब, क्या करें जी, क्या करें जी, क्या करें जी, सर जी, इस tan of x को क्या करें, इसको बोलें 1/10x। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, किसी को मसले, अगर उस साइड को उल्टा किया तो साइड को भी क्या करूं, सर जी इसको भी उल्टा करें। हाँ जी, अब ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 6। व्हाट इज इट, साइन ओवर कॉस है टेन, तो कॉस ओवर साइन क्या है, इट इज कॉट। प्लीज हाईलाइट दिस एंड मेंशन दिस एज आइडेंटिटी नंबर 6। और ये सब की सब जो जो जिन जिनको मैं डब्बे बना रहा हूं इनके रटे मारने, जिन जिनके मैं डब्बे बना रहा हूं इनके क्या करने जी, इनके रटे मारने, सीधा सीधा याद होने चाहिए हमें। अच्छा ओके, इधर आ जाएं जी, इधर क्या करूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यू नो व्हाट, मैंने इनके साथ दो काम करने हैं, या तो मैंने पूरी इक्वेशन को पकड़ के कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, या फिर मैंने पूरी इक्वेशन को पकड़ के साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। क्या करना है भाईजान, दोबारा बताएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या कराएं, पहली अटेम्प्ट में डिवाइड द होल इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे सर जी, यहां क्या करें, डिवाइड द होल इक्वेशन, आई मीन दिल कर रहे हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, क्या बन जाएगा यार, साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/ साइन स्क्वायर एक्स। कैन यू प्लीज टेल मी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स 1, cos square x over sin square x, cot, नहीं ये नहीं, cos over sin is cot, तो cos square over sin square is equal to cot square, 1 over sin square, cosecant square, hello जी, this is identity number 7, याद करनी है भाई, this is identity number 7. This is identity number 7. तो पहला काम मैंने क्या किया था? I divided the whole equation by sin square x. Now what? Now if I want to divide the whole equation by वही पहली वाली. Now divide the whole equation by क्या? By cos square x. तो क्या बनेगा जी? साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/ क्या, 1/ कॉस स्क्वायर एक्स। प्लीज टेल मी व्हाट इज इट नाउ, कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर। इसको याद कैसे करें, इसको जैसे था 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर, यू नो व्हाट, देयर यू गो, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू secant स्क्वायर ऑफ x, एंड मेंशन दिस एज द आइडेंटिटी नंबर 8। हेलो जनाब साहब, देयर यू गो जी, आपके पास पिछले साल को, पिछले साल के लिए याद करने के लिए कितनी आइडेंटिटीज थी, 2 आइडेंटिटीज थी, और अभी आज के पहले लेक्चर में आपको कितनी आइडेंटिटीज को याद करना है, कितनी जनाब, 6 एक्स्ट्रा। अब मुझे लगता है मैंने सारी याद करा दी, ठीक है जी, इसमें किसको याद करने में प्रॉब्लम है, ये तो 2 पुरानी है भाई, ये तो 2 पुरानी है, ये तो 3 आपने कल से याद की हुई है, ये तो 3 मैंने चैप्टर का स्टार्ट करने में याद करा दी थी, ये तो इसको याद करने की जरूरत है, ये तो वैसे ही सर उल्टा किया आपने, कुछ भी नहीं किया, याद करनी है 2, कौन सी, 1 प्लस tan का स्क्वायर करोगे तो secant स्क्वायर आएगा, 1 प्लस cot का स्क्वायर करोगे तो, अब ये अजीब सा हिसाब है जी, ये ना सीधा हिसाब है ना ये उल्टा हिसाब है, पता नहीं है कौन सा हिसाब है, कि 1 में tan का स्क्वायर ऐड करो क्या है,
सीकेंट का स्क्वायर, वन में कॉट का स्क्वायर ऐड करो, कोसीकेंट का स्क्वायर याद आ रहा है जी, कुछ है वन में क्या हो रहा है, या वन में टेन का स्क्वायर ऐड हो रहा है या वन में कॉट का स्क्वायर ऐड हो रहा है, और जवाब क्या आ रहा है सर जी, या जवाब सीकेंट का स्क्वायर आ रहा है या जवाब कोसीकेंट का स्क्वायर आ रहा है। अब मैंने इसको कौन सा हिसाब बोलना है, आई एम सो सॉरी, ना मुझे इसका सीधा हिसाब समझ आता है ना मैं इसको उल्टा हिसाब के हिसाब से याद कर सकता हूं। मैं कहूंगा इसको आप याद करेंगे, मुझे तो बचपन में अपने जमाने में याद किया हुआ, मैंने याद भी नहीं किया सिर्फ, मैंने याद के साथ समझ भी लगा ली है कि कहां से निकालना है, और आपसे वैसे तीन चार दिन पूछूंगा कहां से निकालना है, तो आपने कहना सर हमें क्या पता कहां से निकालना है, आप हमें ये बताएं याद हमने कर लिया, करना क्या अभी इसका। हाँ बस आप इतनी बात याद कर लीजिएगा कि याद हमने कर लिया, करना क्या है इसका, वैसे याद क्या करना, वन प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, वन प्लस टेन का स्क्वायर करेंगे तो सेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा। अब इसको याद करने का मेथडोलॉजी क्या है, यहां अगर सर क्या कहते हैं आसिम मेरी हेल्प कर सकते हैं तो सर जी आप कर दीजिए, यहां मेरे पास याद कराने का कोई हिसाब नहीं है सर जी। आठवीं और सातवीं, वन प्लस कॉट का स्क्वायर करना है तो कोसेकेंट का स्क्वायर है, वन प्लस टेन का स्क्वायर करना है तो सेकेंट का स्क्वायर है, लगाएं सर लगाएं तो लगाएं, ठीक है जी। खैर बहरहाल उन दो तीन मिनटों में आप याद कर लें इसको खुद ही, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट का स्क्वायर, वन प्लस बल्कि याद करने का मेरे पास एक बड़ा करारा करारा तरीका है, आखिरी सवाल भी नहीं, आखिरी सवाल बल्कि एक काम कर नहीं, आखिरी सवाल क्यों जा रहे हैं, इन दोनों कॉलम पे जगह खाली है, भरें दरे दोनों कॉलम, बुरा मैं आपको आप लगाता हूं बुरा क्या लगेगा, बल्कि इस पेज पे कुछ ना करें, आखिरी पेज पे डाल दी, आखिरी पेज पे डाल दी, लगे रहो वहां पे कुछ ना करो, आखिरी पेज पे जाओ, कोई मशवरा नहीं चाहिए। वन प्लस क्या, ये तो पुत्र कल पूछूंगा तो आप कुछ समझ आएगा, वन प्लस टेन किया था तो क्या कर रहे थे, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे मुझे लगता है वन प्लस कॉट का स्क्वायर याद करना बड़ा आसान है, सी से सी आ जाएगा, कॉट का स्क्वायर होगा तो कोसेकेंट स्क्वायर याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टेन का स्क्वायर क्या होगा, ऊपर कोसेकेंट आ चुका है तो नीचे सेकेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन काश के ये इतना ही होता और मेरा चैप्टर खत्म हो जाता, ठीक है। अब इसके आगे और भी बहुत कुछ है तो उस बहुत कुछ को याद करने 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 के चक्कर में ये भूल जाएगा हमसे, कॉलम्स में भी आज के लेक्चर में कुछ नहीं लिखवाना आप प्लीज, बल्कि शायद कल के लेक्चर में भी कॉलम्स में कुछ नहीं लगाना, आगे एग्जांपल्स करानी है, आगे एग्जांपल्स करानी है। मेरी तरफ से बस रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप इन्हीं दोनों कॉलम्स को वैसे सारे कॉलम्स बराबर करें, कॉलम्स सारे बराबर करें, कॉलम्स सारे बराबर कर दें, पहले कॉलम की लेंथ सबसे ज्यादा है शायद, ठीक है कोई बात नहीं, अगले दोनों कॉलम्स में जो जगह बची है या तो उस जगह में भी यही फार्मूले बार बार लिख दें, या फिर क्या करें उस जगह को बराबर करें और आखिरी पेज बनाएं, बार बार लिखें और याद करें जनाब साहब। आई थिंक मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म करना चाहूँगा।